आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कॉलेज मेकअप लुक। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। हम इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। आप कोई भी बीबी या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। हम बस थोड़ी सी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें फुल कवरेज नहीं चाहिए, बस सिंपल। हम कॉलेज मेकअप लुक ही कर रहे हैं तो जस्ट हल्की सी कवरेज चाहिए हमें। देन हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे एंड उसी से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना अच्छा लगता है। सो इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे, नेक पे भी लगा लेंगे हल्का। उसके बाद हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा इसे फिल कर लूँगी, ज़्यादा फिल नहीं करना है हमें बिकॉज ये कॉलेज मेकअप लुक है। फिल करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे काजल। तो काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की काजल। हम अप्लाई करेंगे इसे। सो नीचे अप्लाई कर लिया, उसके बाद हम अपर वाटर लाइन पे अप्लाई। हम अपना कोई भी फेवरेट लिप ग्लॉस लेंगे, तो मैं उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिलेरी रोबा की 6 आवर कंटिन्यूस मॉइस्चराइजर लिप बाम। तो हम इसे कॉलेज मेकअप लुक है इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप ग्लॉस। अगर आप चाहो तो कोई न्यू लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। सो आप इसकी जगह लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। सो ये है हुडा ब्यूटी की मैट मी न्यूड लिपस्टिक। तो आप कोई भी न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर कोई लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लिप ग्लॉस को लिप बाम पे अप्लाई कर लेंगे। तो हम एज अ ब्लशर भी इसे यूज़ करेंगे, हल्का हल्का ब्लशर अप्लाई करेंगे इससे हम। अप्लाई करने के बाद हम इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से। तो आप कोई भी लिपस्टिक के साथ अपना ब्लशर अप्लाई कर सकते हो और ये बड़ी क्विक ब्लेंड हो जाते हैं। कोई भी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस आप यूज़ कर सकते हो एज अ ब्लशर। देन मैं इसी लिप ग्लॉस को यूज़ करूँगी एज आई शेडो, हल्का हल्का पिंक टिंट देने के लिए। नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा इसके ऊपर भी।
देन हम इसे अपनी फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे। तो हम कोई भी लिप ग्लॉस से अपनी लिपस्टिक ब्लशर और आई शेडो लगा सकते हैं। हो चुका है डन। देन हम एसेसरी पहन लेंगे, थोड़ी छोटे छोटे इयर रिंग्स मैं यहाँ पे वेयर करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हैंड्स को पहले मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का बॉडी लोशन लिया है। देन उसके बाद आप कोई भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं अपने हैंड में, तो मैं ये ब्रेसलेट वेयर करूँगी। उसके बाद आती है हमारे हेयर्स की बारी, हमारे हेयर स्टाइल की बारी। तो अगर आप ओपन ऐसे ही छोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा यहाँ से थोड़े से बाल लेने हैं, इनको ट्विस्ट करना है। और यहाँ पे इनको पिनअप कर देना है। सेम हम और थोड़े से बाल लेंगे। इनको ट्विस्ट करेंगे। इसको भी पिन कर देंगे। सो दैट्स इट, ये हो चुका है हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट।